एल्टो हॉस्पिटल से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भागे चार उपचाराधीन कोरोना पॉजिटिव मुलजिम। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे। 19 दिसंबर को पुलिस ने अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजे थे चारों आरोपी। एक कोतवाली देहात तथा तीन खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने किए थे गिरफ्तार। कोविड-19 की जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे चारों मुलजिम। पुलिस ने उपचार के लिए खुर्जा के L2 हॉस्पिटल में कराया था उन्हें भर्ती। हॉस्पिटल से जिने के गेट का लॉक तोड़कर छत के रास्ते से भाग गए चारों मुलजिम। दिनांक 19/12 को थाना खुर्जा नगर से तीन अभियुक्त जेल भेजे गए थे और कोतवाली देहात थाने से एक अभियुक्त जेल भेजा गया था। कोतवाली देहात से जिस अभियुक्त को जेल भेजा गया था वो चोरी का मुलजिम था, चोर था। और खुर्जा नगर के जो अभियुक्त थे उनमें से एक छेड़खानी से संबंधित था, दो ठगी के अभियुक्त थे। और सेम डे जब इनका मेडिकल परीक्षण हुआ तो ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ट्रीटमेंट के लिए जो L2 हॉस्पिटल खुर्जा नगर में है यहाँ पर इनको रखा गया था और बाहर सुरक्षा के लिए फोर्स लगी हुई थी। अंदर जहाँ पे ये थे उसी में से एक रास्ता जीने पे जाता है जिसमें अंदर से ताला बंद था। आज उसी ताले की कुंडी को निकाल करके ये छत के रास्ते से शाम को 6:30 से 7 के बीच में भागने में सफल रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली है स्थानीय पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास शुरू किए गए। L2 हॉस्पिटल से भागने पर पुलिस ने तत्काल चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने अथक प्रयासों से कार्रवाई कर तीन को पुनः गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभी भी फरार है। SSP संतोष कुमार सिंह ने पुष्टि की। NBC न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।